गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संग। कबीर जी कहते हैं, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यानी हम अपना सिर काट के रख दें और फिर गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। इतनी महिमा बताई है गुरु की। गुरु के बिना इंसान जानवर के समान है, क्योंकि जानवर में क्या है, उसमें समझ विवेक ज्ञान ये नहीं होता। और इंसान को अगर गुरु मिल जाए, गुरु नाम किस चीज़ का है, गुरु नाम है ज्ञान का, विवेक का, समझ का, अनुभव का। तो गुरु की कृपा से ही हमें विवेक होता है, तभी हम पहले अच्छे मनुष्य बनेंगे, इंसान बनेंगे, और उसके बाद हम कहीं अगर मन शांत हो जाए तो आध्यात्मिक बन सकते हैं। तो पहले इंसानियत लाए, तो बिना गुरु के मनुष्य पशु के समान है। मनुष्य का शरीर तो उसको मिला हुआ है, लेकिन उसके मन में जो आता है वो करता रहता है, कर्मों का बोझ लेके आता है और वो कर्म जीता है और नए नए कर्म बना के और बोझ बढ़ा के चला जाता है और ये चक्कर चलता रहता है। तो आपने पूछा था कि आपने सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख, इन दोनों के बारे में बताना था, तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा कि सांसारिक सुख क्या है और आध्यात्मिक सुख क्या है, आंतरिक सुख क्या है। तो सांसारिक सुख है यहाँ का, इस संसार का सुख। परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है खेल खेलने के लिए, उस समुंदर में से, परमात्मा रूपी समुंदर में से, उसी की मौज से लहरें उठती हैं और बूंद बूंद निकल के, और वो यहाँ पे आके सुरतों के रूप में इंसान में आके खेल खेलती हैं अपना अपना। तो जिस जिस के जैसे जैसे विचार होते हैं वो अपना जीवन जीता रहता है और खेल खेलता रहता है। लेकिन इस खेल में हम गड़बड़ क्या करते हैं, अज्ञान बस हम नए नए कर्म बनाते रहते हैं, शुभ और अशुभ, और यहाँ सुख और दुख उठाते रहते हैं। तो संसार के इस मृत्युलोक, इस पृथ्वी के संसार के जीवन में क्या है, सुख भी है और दुख भी है, और ये चक्कर चलता रहता है। और जब तक किसी आध्यात्मिक गुरु के पास नहीं जाएंगे, जो इस सुख दुख से परे एक परम पद ते सुख रहा समाई, जो उस सुख में नहीं रहता, वो हमें ये ज्ञान दे नहीं सकता। तो इस सुख दुख से परे, इस संसारिक सुख दुख से परे एक जीवन है आध्यात्मिक जीवन, जो उसके अनुभव में रहता है या उसका ज्ञाता है या उसका विवेकी है, वो आपको बताएगा, ज्ञान देगा, धीरे धीरे आपका संसार बनाएगा, यानी शारीरिक शांति समता, फिर मानसिक समता, आत्मिक समता, और फिर आध्यात्मिक बनाएगा आपको। तो वो ज्ञान है। तो इसी में उत्तर आ जाएगा कि सांसारिक सुख क्या है और आध्यात्मिक सुख क्या है। तो सांसारिक सुख यहाँ पे क्या है, जो हम खेल खेल रहे हैं उसमें कर्मों के हिसाब से हम प्रारब्ध कर्म लेके आते हैं, उन प्रारब्ध कर्म में सुख दुख दोनों भोगते हैं, और फिर उसके प्रारब्ध को भोगते हुए क्रियमान कर्म करते हैं। और क्योंकि हमें अज्ञान है इसलिए हम मनमुखी होते हैं, यानी मन में कोई विचार आया, हम उसके बारे में बार 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 सोचेंगे, वो हमारा कर्म बन जाएगा, और फिर हम उन कर्मों को भोगते रहते हैं और नए कर्म बनाते रहते हैं। तो ये चक्कर चलने लगता है। तो जो जीव मनमुख होता है उसको पता ही नहीं चलेगा, उसकी हालत ऐसी समझ लो जैसे मकड़ा अपना जाल बुनता है, उसमें खेलता है और फिर आखिर में उस जाल में फंस के मर जाता है। ऐसे ही मनमुख मनुष्य जो हैं वो कर्म बनाते रहते हैं। कैसे कर्म बनाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, संस्कार ले लेंगे, और एक हेरिडिटरी संस्कार लेके आते हैं, बाहर के वातावरण से संस्कार लेते रहते हैं यहाँ पे अभी। तो उन संस्कारों से फिर मन में विचार उठते रहते हैं, क्योंकि हमारी चेतना उनको ग्रहण कर लेती है, और फिर उन संस्कारों से, उन विचारों से खेलती रहती है, और खेलते खेलते किसी खास विचार को पकड़ के उसको बार बार सोचते रहते हैं हम, और फिर वो कर्म बन जाता है। फिर उस कर्म को हम तीन तरह से भोगते हैं, या तो सपने में भोग लेंगे उस कर्म को, या उसको जागृत में भोग लेंगे, और या उसको फिर ध्यान में भोग लेंगे, विचार से भोग लेंगे। समझ गए आप? आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, शॉर्ट लूँगा, क्योंकि टाइम थोड़ा है और सब्जेक्ट बड़ा है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में लूँगा, फिर कभी इसको डिटेल में फिर कभी ले लेंगे। तो हम देखकर, सुनकर, पढ़कर संस्कार लेते रहते हैं,
और उनको फिर उनके साथ चेतना खेलती है मन के मंडल में आके, और फिर बार 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 सोचते 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 वो कर्म बन जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। और इसमें अच्छे और बुरे, शुभ अशुभ दोनों तरह के, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं। तो सांसारिक सुख क्या है आप सब अच्छे से समझते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे बेटा अच्छे नंबर से पास हो गया तो हम खुश हो जाएंगे, या बिजनेस में लाभ हो गया खुश हो जाएंगे, या जॉब में प्रमोशन हो गया खुश हो जाएंगे, और अच्छा पति मिल गया अच्छी पत्नी मिल गई कोई, या अच्छा मकान मिल गया तो हम खुश हो जाएंगे। ये सांसारिक हैं। बेटा हो गया हम खुश हो जाएंगे, बेटी की अच्छी शादी हो गई हम खुश हो जाएंगे। यानी संसार के जितनी चीज़ें हमारे मन के अनुकूल होती हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए तो हम खुश महसूस करते हैं, सुखी महसूस करते हैं अपने आप को। लेकिन इसके साथ में दुख भी जुड़ा है, संसार में ये है, सुख दुख दोनों होते हैं। इसके अपोजिट भी है, जैसे अच्छा पति मिला तो एक दिन वो बिछड़ेगा तो फिर दुखी हो जाएंगे, बेटा हुआ तो किसी दिन वो मन दुखाएगा बड़ा होके, तो फिर हमने तो इतना लाड किया उसका और बड़ा होके कहा नहीं मानेगा तो फिर हम दुखी हो जाएंगे। और धन आया है तो फिर हमें ये धन आया तो सुख हुआ, अब फिर हमें ये चिंता होगी कि इसको और बढ़ाएं, या ये चिंता होगी कि ये कहीं चला ना जाए, फिर ये चला गया तो फिर और दुखी हो जाएंगे। इसलिए ये जो सांसारिक सुख हैं उनके साथ दुख भी जुड़ा है। यानी जैसे अच्छी सेहत है तो हम परवाही नहीं करते, उस सेहत का आनंद ले रहे हैं, और जो मन में आया मनमुखी होके कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं और फिर सेहत ख़राब हो जाती है। जैसे मन में आया कुछ खाना है अंट संट खा लिया और खूब इन्जॉय किया, और फिर कुछ टाइम तक तो बॉडी उसको ठीक है हैंडल कर लेती है, और एक टाइम आता है कि बॉडी गिव अप कर देती है, तो इंडाइजेशन हो जाएगा, बीमारियां घेर लेंगी, तो दुख हो गया ना सुख के साथ। तो ये सांसारिक सुख है, यहाँ का इस लोक का सुख है। तो सुख थोड़ा है और दुख ज़्यादा है। जैसे काम भोगते हैं तो बहुत सुख मिलता है, थोड़ी देर के लिए सुन लग जाती है, सब कुछ भूल जाते हैं हम। तो यहाँ का सुख परमात्मा ने थोड़ा सुख दे दिया और उसकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती है। अब ज़्यादा काम भोगेंगे तो फिर मैंने सारे सत्संगों में बताया हुआ क्या हालत हो जाएगी, दुखी हो जाएंगे, बहुत दुखी हो जाएंगे, और ज़्यादा भोगेंगे और दुखी हो जाएंगे। यानी ये सांसारिक सुख की एक सेल्फ लाइफ है, आज की भाषा में कहें, यानी इसको भोगेंगे हम फिर दुखी हो जाएंगे ये उसके बाद कुछ टाइम बाद। तो यहाँ सुख भी है और दुख भी है, ये जुड़ा है। कबीर जी ने इसको रहस्य में ऐसे कह दिया, तंदर सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। लास्ट में वो कहते हैं, कहें कबीर सुनो भई साधो, संत सुखी मन जीती हो। तो वो ये कहते हैं कि इस संसार में कोई भी हो, घाटे बाधे सब कोई दुखी है, यानी कोई थोड़ा दुखी है कोई ज़्यादा दुखी है। तो क्या हुआ ये, क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस संसार में जो हमें सुख मिलता है खाने में पीने में देखने में या किसी चीज़ के मिलने में, या इसको शॉर्ट में कह लो कि हमारे मन के अनुकूल हो जाए जब बात तो हम सुखी हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, मनमुखी हैं, इसलिए मन के प्रतिकूल भी घटनाएं घटती हैं। कोई आदमी बिछड़ गया हम दुखी हो जाएंगे, धन चला गया या चोरी हो गई या एक्सीडेंट हो गया तो हम दुखी हो जाएंगे, या किसी ने हमारी ऐसी बात करी जो हमें पसंद नहीं आई हम दुखी हो जाएंगे, बच्चा फेल हो गया हम दुखी हो जाएंगे, घर के परिवार के लोग सपोर्ट नहीं करते या कहा नहीं मानते हम दुखी हो जाएंगे, और कोई बीमारी आ गई तो हम दुखी हो जाएंगे। मतलब जब हमारे विचार नेगेटिव हैं उनका फल आएगा बुरा, उनका फल आएगा कि हम मन के प्रतिकूल घटना आएगी हम दुखी हो जाएंगे। और जब हमारे विचार अच्छे हैं सुंदर हैं तो हमारी जो घटनाएं जीवन में होंगी वो अच्छी होंगी, यानी हम खुश होंगे। तो जब तक गुरु नहीं मिलेगा तो इस चक्कर में फंसे रहेंगे। तो आप सांसारिक सुख समझ गए क्या है ये, तो ये सांसारिक सुख है। ये सुख परमात्मा ने इसलिए दिए कि हम यहाँ खेल खेलें तो हमें यहाँ पे आनंद आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सांसारिक सुख चाहिए तो गुरु कहता है कि ये मनुष्य तू अपने विचार सुंदर सुंदर रख ताकि तेरी दुनिया सुंदर बन जाए। लेकिन हम तो गुरु करते ही नहीं हैं, अशुभ कर्म हैं, गुरु की शरण में जाते ही नहीं हैं। हमारा तो धर्म कहता है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा,
ठीक है, तो हम संतन की संग करते ही नहीं हैं तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। इसलिए मनमुखी होके सुखी दुखी रहते हैं और ये चक्कर चलता रहता है। तो संसारिक सुख समझ गए आप, तो अब इसके आगे है आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख है कि जब हम बाहरी प्रवृत्ति को छोड़कर, जब हमारी चेतना आत्मा बहिर्मुखी प्रवृत्ति को छोड़ के अंतर्मुखी प्रवृत्ति में होके अंदर सिमटेगी, तब जाके हमें वो अंदर के लोकों के यानी अंदर स्टेजेज हैं वो सुख हमें मिलेंगे। वो अलग अलग स्टेजेज हैं, वो बता दूंगा अभी मैं तो। लेकिन वहाँ तक जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? हमने कर्म बना रखे हैं। जैसे ही हम आंतरिक सुख का अनुभव करने के लिए बैठेंगे, ट्राई करेंगे, तो हमें कोई ना कोई इच्छा आके और उस बाहरी बहिर्मुखी कर देगी हमारी चेतना को, यानी हमारा योग लगेगा नहीं, ध्यान योग बनेगा नहीं, हमारा ध्यान योग भंग हो जाएगा, यानी मन चंचल होगा क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। इसीलिए पहले किसी गुरु की शरण में जाओ, वहाँ पे सेवा बताई है चार तरह की, तन की सेवा, धन की सेवा, मन बुद्धि की सेवा, फिर साधन अभ्यास की सेवा। तो तन की सेवा तो आपको कई सत्संगों में बता दी, धन की सेवा भी बता दी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मन बुद्धि की सेवा, फिर जाके चौथी सेवा बनेगी। तो मन बुद्धि की सेवा से एक तो आपकी संसार ठीक हो जाएगा, आपकी संसारिक जो समस्याएं हैं वो आपको समझ आ जाएगी क्यों हैं, और आपके मन में शांति आ जाएगी। और फिर आप अगर जानना चाहोगे कि आध्यात्मिक सुख कैसे मिले, तो वो मन बुद्धि की सेवा से अगर आपकी इच्छा है तो आपको वो भी पता लग जाएगा कि यानी संसारिक ज्ञान चाहिए तो वो भी मिलेगा और आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो वो भी मिलेगा। तो फिर अगर वो ज्ञान ले लिया और आपकी योग्यता होगी तो फिर आपको फिर चौथी सेवा करनी पड़ेगी, साधन अभ्यास की सेवा, उसके साथ साथ सत्संग सुनते रहो, तब जाके वो आध्यात्मिक सुख मिलेंगे आपको। यानी अंतर की जो स्टेजेस हैं, हमारी चेतना आत्मा अंतर्मुखी हो जाएगी और फिर क्योंकि हमने कर्मों को जला दिया है ज्ञान से, तो फिर हमारा ध्यान भंग नहीं होगा और सहज में ही एक स्टेज ऐसी आएगी कि सहज में ही ध्यान लगने लग जाएगा अपने आप ही, अगर योग्यता है तो, और फिर वो अंदर का आध्यात्मिक सुख मिलेगा हमें। तो इसको कहते हैं सुख दुख से परे एक परम पद ते सुख रासमाई, यानी जो संसारिक सुख दुख है उससे अंदर जाके हम उससे ऊपर उठना पड़ेगा, यानी मन के मंडल से आगे जाना पड़ेगा आत्मा के लोक में, और फिर चौथे पद में वहाँ पे हमें सूरत को शब्द अनुभव होता है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक सुख। प्रकाश का या शब्द का अनुभव करते करते चौथे पद के अंत में उसमें समा जाएगी शब्द में ही सुरत, यानी योग हो जाएगा दोनों का, सुरत शब्द योग, तो उसको अनामी पद कहा है। तो बहुत दूर की बातें हैं, उससे पहले उस आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये बात माइकल भी पूछना चाह रहा है लेकिन आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश सो आई एम टेलिंग यू इन हिंदी, अगर वो चाहेगा तो इसको इंग्लिश में कर लेगा, उसको समझ में आ जाएगा। इफ समबॉडी कैन ट्रांसफर दिस इन इंग्लिश सो इट विल बी बेटर फॉर माइकल आल्सो। तो जितने हमने मनमुखी होके यहाँ पे कर्म बना रखे हैं, और कर्म बना रखे हैं इसलिए हमारी वहाँ पे अटैचमेंट है। तो जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट आएगा, वो चीज़ें होंगी, तो हमारी अटैचमेंट हमारी अटेंशन को उधर खींच लेगी। जैसे अगर कोई कामी है तो उसको कोई सुंदर स्त्री दिखेगी, या लेडी है चाहे आदमी है, दोनों है, तो उसको वो अटैचमेंट खींच लेगी और उसका ध्यान भंग हो जाएगा। तो वो ध्यान योग करना चाहेगा तो ध्यान योग नहीं बनेगा, क्योंकि कामुकता से जो हमारा ब्रेन है वो ठीक से फंक्शन नहीं करता, जो वाइटल एलिमेंट्स हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं ब्लड में से, वो जो हमारा सीमन है या जो लाइफ फोर्स है वो ब्लड में से बनती है, और जब उसको हम ज़्यादा सुख इस संसारिक सुख में ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो हमारे ब्रेन में जो फंक्शन करने के लिए वाइटल एलिमेंट्स चाहिए उनकी शरीर में कमी हो जाती है, तो उससे मन चंचल हो जाता है, यानी मन की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ऐसे आदमी का तो ध्यान बनना असंभव है, बनेगा ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, जिसने कामुकता से इस संसारिक सुख को लेके, कामुकता के सुख को लेके अपने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, अगर वो आध्यात्मिक सुख लेना चाहे तो पहले उस खोई हुई एनर्जी को रिगेन करे और फिर आगे उसको ना खोए। तो ये कोई खाला का घर नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है। जो हमने बच्चे पैदा किए हैं या जो अटैचमेंट रखी है वो एकदम नहीं जाती है, वो बहुत गहरा कर्म बना हुआ होता है, आदत पड़ी हुई होती है।
तो उसको धीरे 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 गुरु कृपा से, गुरु के ज्ञान से उस कर्म को काटना पड़ेगा हमें। बार 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 इच्छा करके दृढ़ शक्ति का विल पावर को बढ़ाना पड़ेगा, और फिर एक समय आएगा कि हम उससे कर्म से बच जाएंगे। कैसे? अब ज्ञान की अग्नि से कर्मों को जला के भस्म करना होता है। कैसे करना होता? मैंने एक दिन पूछा महाराज जी से, मैंने कहा महाराज जी मेरे को ये आध्यात्मिक सुख कब प्राप्त होगा, तो मेरे जो ये कर्म हैं ये इनसे कैसे पार पाऊंगा? तो वो कहते हैं मेरे को तेरे सभी शुभ शुभ कर्म हैं वो ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। तो वो मोटी बात बता देते थे, गूढ़ रहस्य बता देते थे, लेकिन डिटेल में नहीं खोलते थे क्योंकि एज बहुत हो गई थी, बूढ़े हो गए थे बेचारे, और कितना ए बी सी डी वो पढ़ाते नहीं थे। वो चाहते थे कि इनको ऊँचे ऊँचे से ऊँचा ज्ञान दे जाऊँ समय रहते, नहीं तो अगर डिटेल में जाऊँगा तो लेट हो जाएगा, फिर इनको ये बड़े बड़े संस्कार नहीं दे पाऊँगा, ऊँचा ज्ञान नहीं दे पाऊँगा। इसलिए वो मेरे को संस्कार देंगे कि भी तेरे शुभ शुभ कर्म ज्ञान के अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे। अब इस बात को खोल के नहीं बताया उन्होंने, तो मेरे को कई साल लगे इस बात को समझने में कि ये क्या कह रहे हैं, इस बात का मतलब क्या है, कि क्या ज्ञान की अग्नि होती है और वो कर्म जलकर कैसे भस्म होएंगे, और चलो अशुभ भस्म कर लो, शुभ भी भस्म करने पड़ेंगे ज्ञान की अग्नि में। तो बड़े बड़े संत आते हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा ज्ञान होता है उनके पास। इसीलिए कबीर जी ने कहा है कामी तेरे कितना ही महाकामी है वो भी उसका भी एक न एक दिन उद्धार हो सकता है। कामी तेरे क्रोधी तेरे पापी तेरे अनंत, यानी कामी है क्रोधी है लोभी है पापी है, तर जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा अगर सत्संग लेके अपने कर्मों को ज्ञान की अग्नि में जला दे तो। मन साफ हो जाएगा, मन वचन कर्म से तो पवित्र होना हमें, बस फिर क्या है, फिर तो आत्मा तो पवित्र है ही, सुरत तो पवित्र है ही, उसकी अनुभूति हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं, आन उपासक कृतगण निगुरा करे ना नाम रटंत। तो आन उपासक कृतगण निगुरा यानी गुरु की आज्ञा में नहीं रहता, गुरु की आज्ञा को नहीं मानता, उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए गुरु ने जो आपको संस्कार दिए ज्ञान दिया जो आज्ञा दी है उसका पालन करना ही पड़ेगा गुरु वचन पे, यानी मनमुखी से हमें गुरुमुखी होना पड़ेगा। गुरुमुखी का मतलब जो गुरु कहता है वो, गुरु कहें सो हित कर जान, गुरु कहें सो चित धर ध्यान। तो जब तक हम गुरु की बात को नहीं मानेंगे, उसको मानेंगे कब, जब उसको समझेंगे, समझेंगे कब, जब उसको सुनेंगे, सुनेंगे गुनेंगे समझेंगे फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारा कल्याण होगा। तो हम कामी हैं बेशक क्रोधी हैं लोभी हैं मोही हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। सब इंसान के अंदर ये गुण होते हैं, तो किसी में थोड़े किसी में ज़्यादा, तो ये सत्संग से साफ हो जाते हैं, मन वचन कर्म से आदमी पवित्र हो जाएगा। लेकिन पवित्र कौन होगा? जो गुरु भक्ति करेगा, यानी बार बार सत्संग में जाके रेडिएशन लेगा, दर्शन करेगा, तो जैसा गुरु है वैसे ही रेडिएशन से उसका मन साफ हो जाएगा और उसके जो घटिया संस्कार थे वो छूट जाएंगे। बस मन वचन कर्म से पवित्र हो गया तो अंदर का अनुभव चाहेगा आंतरिक सुख, तो मैं उसको आध्यात्मिक सुख भी मिल जाएगा। तो कबीर जी ने ये रहस्य में बताया है कि कामी तरे क्रोधी तरे पापी तरे अनंत आन उपासक कृतगण, कि ऐसा नहीं मानता कि गुरु जी ने इतना ऊँचा ज्ञान दिया है वो ये इस बात को समझेगा ही नहीं, जब तक उसका एहसान ही नहीं मानता है तो उसको तो गुड़ रहस्य समझ ही नहीं आएगा। तो पहले तो वो ये आभार प्रकट करे कि अरे गुरु जी ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया, तभी तो उसकी वो उसकी वैल्यू समझेगा ना, फिर वो उसको वैल्यू समझ के फिर इम्प्लीमेंट करेगा, तब उसका उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए कबीर जी कहते हैं आन उपासक कृतगण निगुरा तरे ना राम रटंत, चाहे कितना ही राम 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 गुरु जी गुरु जी राधा स्वामी सतनाम श्री वाहेगुरु जी जपे जाओ, याज पजाप करे जाओ, अगर ज्ञान नहीं लिया और उसको लागू नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, मन वचन कर्म को साफ नहीं किया, या ये कह लो कि अपने कर्मों को जला के भस्म नहीं किया ज्ञान से, तो उसको कुछ नहीं, उसको ना तो ये संसारिक सुख मिलेगा, लोक सुहेलाएगा ना परलोक सुहेलाएगा। हाँ अगर वो उसकी ज़्यादा फेथ है कहीं पे तो उसके संसारिक काम हो सकते हैं, सिद्धियाँ आ जाएंगी, लेकिन फेथ होना भी कोई मजाक नहीं है, बहुत बुद्धि बढ़ गई ना इसलिए पहले कमजोरी देख लेते हैं, फेथ भी नहीं होता। ये अब लंबा नहीं खींच रहा हूँ मैं टू द पॉइंट आ रहा हूँ कि अंदर के सुख चाहिए तो पहले जो आपने कर्म बना रखे हैं, यानी जो अटैचमेंट्स हैं, जो हमारा राग है
उसको ज्ञान की अग्नि में जला के भस्म करना पड़ेगा। तो राग से वैराग में जाना हमने, यानी अटैचमेंट से डिटैचमेंट में जाना है तो नहीं जा सकते। इसके लिए फिर क्या किया संतों ने, राग से अनुराग करा दिया कि आप दुनिया की अटैचमेंट है उस अटैचमेंट को गुरु से लगा दो, उस प्यार प्रीति को गुरु से लगा दो। उसको क्या कैसे लगेगी वो, उसको जब हम समझेंगे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही हो मम सर्वम देव देव। यानी ऐसा समझेंगे कि भाई बंधु पिता माता सब कुछ आप ही हो, तुम ही हो विद्या, जो मुझे बुद्धि आई है सभी वो आपने, तुम ही हो द्रविणम, धन दौलत भी तुमने ही दी है, सब कुछ तुमको ही अर्पण है, तुम्हारा ही ये सब कुछ, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही हो मम सर्वम देव, सब कुछ आप ही हो। जब ऐसा बड़ा ऊंचा भाव समर्पित भाव आएगा तब हम उसकी कदर जानेंगे कुछ, और फिर उसकी बात को सुनेंगे तब विश्वास बैठेगा, नहीं तो विश्वास भी नहीं बैठता। कहते हैं ना भी विश्वास करो, विश्वास का खेल है सारा, तो विश्वास शुरू में नहीं बनता है। जब हम उसकी कुछ कदर करेंगे, उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे, तब जब वो बात कही हुई सही होगी तब विश्वास बैठता है। तो ऐसे विश्वास नहीं बैठता, पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फिर उसकी बात सुनेंगे वो सच्ची होंगी तब हमारी बुद्धि कहेगी ठीक है, तब विश्वास बैठेगा। तो पहले हमारा ब्लाइंड फेथ होता है, और फिर जब गुरु की बात को समझ के फिर हम उसको फेथ विद नॉलेज यानी ज्ञान का विश्वास होता है, वो अटल होता है। ब्लाइंड फेथ तो कभी भी टूट जाएगा ब्लाइंड फेथ। इस वजह से पहले श्रद्धा का होना जरूरी है, धर्म श्रद्धा पे विश्वास पे टिका है। तो श्रद्धा होगी तो हम बात सुनेंगे, बात सुनेंगे तो विश्वास बनेगा, और फिर हम कुछ करेंगे। ये सबसे पहला स्टेप है कि श्रद्धा होनी चाहिए। तो बड़े शुभ कर्म होंगे जब श्रद्धा होगी। शुभ कर्म क्या है, हम ये सोचेंगे कि सत्संग में जाएं, हम जो तो जीवन जी रहे हैं ये तो सुख दुख का जीवन है, अच्छा जीवन भी कुछ होता है वो सीखें। तो ये कोई बार बार सोचेगा, वो समय निकाल के अपना घर बार का, घर के कितने बंधन है देखो, पति है पत्नी है बच्चे हैं दादी है नानी है, कितने रिश्तेदार हैं और भाई बंधु हैं, सबको छोड़ के काम धंधा सब छोड़ छाड़ के सत्संग में आना पड़ता है। तो जिसके शुभ कर्म है वो आएगा, निता ही नहीं पाएगा, इतने बंधन है जीव के सिर पे, कहाँ कैसे छोड़ के आ जाएगा, लाखों का बिजनेस चल रहा है कैसे छोड़ के आ जाएगा, या घर में कोई बीमार है कैसे छोड़ के आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा संसार की ड्यूटी ना करो, करो, लेकिन संसार में ही फंसे रहे तो उसी में फंस के मर जाएंगे मकड़े की तरह। इसलिए समय निकाल लो, इसलिए ज्ञान ले लो, संतन कर संगा, संतन की संग करो विद फेथ। पहले ब्लाइंड फेथ होगा, फिर जब हमें ज्ञान मिलेगा तो फिर फेथ विद नॉलेज हो जाएगा, फिर विश्वास अटल हो जाएगा। उसको कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि, कि अभी हाँ भाई यही ठीक है। तब हम ज्ञान, तब हमारी स्टार्टिंग होगी ज्ञान लेने की। तब तक कुछ नहीं, आए जाओ जाए जाओ आए जाओ, नाम लेके फिरते हैं, 50-50 साल 60-60 साल हो गए और मैं देखता हूँ कुछ नहीं आता उनको, वहीं के वहीं है, ना गुस्सा गया ना दुख गया ना जीवन में शांति आई, आध्यात्मिक की शांति सुख तो छोड़ दो आप, उनको कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो हमें सबसे पहले फेथ हो, फिर विश्वास हो, और फिर हम संग करें, और फिर गुरु भक्ति करें। और गुरु भक्ति में उसकी बात को सुन के, और कब सुनेंगे, जब उसको परमात्मा समझे। वो परमात्मा नहीं है, सपोज देर इज नो गॉड बट मेक वन, मान लो कि ये परमात्मा है, वो है नहीं है, हमें इस झगड़े में नहीं पड़ना है। रामायण में लिखा है, छल छिद्र मोहे नहीं भावा, सरल हृदय सो मोहे पावा। भाव ये है कि जो सरल हृदय से बात सुनेंगे उनको जल्दी समझ आ जाती है, जितने काट छांट करते हैं ना बुद्धि ज़्यादा लगाते हैं उनको और देर लगती है। तो अगर आपकी श्रद्धा है विश्वास है तो सीधे, जब गुरु आपको सीधा रास्ता बताने लग रहा है तो करना क्या, बात को सुनो, गुरु भक्ति करो, समझो उसको, बार बार उसको सुनोगे समझोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी आपके। और जब ज्ञान ही हो गया, ज्ञान क्या है अब वो समझ लो, ज्ञान है आपको, ज्ञान है कि आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएगा, इसलिए कभी आग में हाथ डालते हो नहीं डालते ना, ये ज्ञान है। मान लिया किसी को रसगुल्ला खाने की आदत है, रसगुल्ला सामने आते ही वो कहेगा एक तो खा ही लेता हूँ। अब वो मान लिया कभी ऐसा हुआ कि उस रसगुल्ला आया उसने तोड़ा अंदर मक्खी निकली, तो खाएगा वो, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है ये तो बीमार कर देगा तो छोड़ देगा, ये ज्ञान है। एक और बता देता हूँ, आप रोड पे चलते हो तो गटर का मेन होल खुला है मान लिया, तो हम कभी पैर डालते हैं उसमें, नहीं डालते ना, हमें पता है पैर डालेंगे पैर टूट जाएगा या गंदा हो जाएगा, इसलिए हम साइड से निकल जाते हैं। तो ये ज्ञान है कि किसी चीज़ का
आपको ज्ञान हो जाए कि ये ऐसा करूंगा तो ये होगा, तो उस फट आपको विवेक आ जाएगा, वो आप कर्म नहीं करोगे। ऐसे गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। क्या ज्ञान लेना पड़ेगा कि आपकी क्या क्या कहाँ कहाँ अटैचमेंट हैं जो आपको बांधती हैं, जो आपके ध्यान को भंग करती हैं। जब आप ध्यान लगाने बैठते हो, चौथी भक्ति करने बैठते हो या तीसरी भक्ति करते हो मन बुद्धि की या साधन अभ्यास की, तब उस समय आपकी इच्छाएं आपकी चेतना को नीचे ले आती हैं, क्योंकि आपको अटैचमेंट है। यानी जैसे किसी को धन का अटैचमेंट है, लोभी है, तो जैसे ही ध्यान करने बैठेगा, सत्संग सुनने बैठेगा, ध्यान तो बहुत आगे की बात है, सत्संग सुनने बैठेगा, ध्यान से सुनेगा, इमीडिएट उसके माइंड में थोड़ी देर तो सुनेगा और तुरंत फिर उसके माइंड में आएगा, अरे वहाँ माल भेजना था, उसकी बिल्टी रह गई, उसको ये कलर देने थे, ये दो कलर मिस कर दिए, यानी उसको वो बिजनेस आ जाएगा सामने। या कोई काम ही है तो थोड़ी देर सत्संग सुनेगा, फिर उसको इमीडिएट कामुकता का विचार आ जाएगा, या ज़्यादा मोह है तो उसको और मोह का विचार आ जाएगा। यानी जिस जिस चीज़ से अटैचमेंट है, वो चाह हमारी उस हमारी चेतना को ऊपर नहीं जाने देगी, अंतर्मुखी नहीं होने देगी। जैसे ही ध्यान करने बैठेंगे या सत्संग सुनेंगे, वो चाह हमारी हमें नीचे खींच लाएगी। और जिसका ब्रह्मचर्य गिरा हुआ है, उसका तो मन इकट्ठा नहीं होगा, उसका तो ब्रेन शांति नहीं होगा, ब्रेन फंक्शन ही ठीक से नहीं करेगा, वो तो दुखी रहेगा, वो तो छोड़ दे इस बात को। तो जैसे ही हम सत्संग करने बैठते हैं, सुनने बैठते हैं, ज्ञान लेने बैठते हैं, तो कोई ना कोई चाह आके हमारी मन की चंचलता की वजह से हमारा मन इकट्ठा नहीं होता, और जो हमारी अटैचमेंट्स हैं वो नीचे ले आती हैं हमें। यानी मन बिखरा होता है, हमारा मन चंचल होता है, और इसका मुख्य कारण है ब्रह्मचर्य का नाश, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। तो सबसे पहले अगर आपको संत मत में आना है, गुरु मत में आना है, तो जो सेलिब्रेसी लूज की है उसको गेन करो, रिगेन करो, उसको फिर से उस शक्ति को इकट्ठा करो। जो गई हो तो गई, अब रिगेन करो, ताकि आपका मन स्थिर होने लग जाए। उसके तरीके हैं अलग अलग। मन को वश में करना है तो योग का सहारा लें, ये महाराज जी ने कैलेंडर में लिख रखा है। ये कैलेंडर अगर 36 सूत्र हैं, इनको रोज़ कोई पढ़ ले तो आधा ज्ञान तो इसी में भर दिया महाराज जी ने, लेकिन कोई वैल्यू नहीं करता, पढ़े हैं घरों में। अगर ये सूत्र रोज़ ध्यान से पढ़ लिए जाएँ तो इसमें इतना ज्ञान भरा पड़ा है, मुझे साल भर लगा इसको डिकोड करने में, समझने में। इसमें लिखा है नाम धुनात्मक है, वर्णात्मक नहीं है, समझ ही नहीं आता था। सुरत सबद योग आखिरी मंजिल है, समझ ही नहीं आता था। महीनों महीनों दिनों दिनों घंटों घंटों प्रैक्टिस करी, तब जाके ये कैलेंडर समझ में आया। तो इसमें पूरे ज्ञान का सार दिया हुआ है। तो क्या करना है हमें, पहले जो हमारी अटैचमेंट है, राग है, उसको गुरु के प्रति अनुराग करके, यानी गुरु को सब कुछ समझ के, परम पिता परमात्मा मान के, और जब तक ऐसा नहीं मानेंगे हमारा ध्यान बनेगा ही नहीं, चाहे हम कितने चतुर कितने इंटेलिजेंट हों, चाहे हम कितने बड़े अधिकारी हों, कितने बड़े सेठ हों, कुछ प्राप्त कर रखा हो इस संसार में। जब तक हम गुरु को ये नहीं मानेंगे कि ये सब कुछ है, परम पवित्र है, परमात्मा का ही स्वरूप है, अगर हम गुरु में कमी देखेंगे तो हमारा ध्यान नहीं बनेगा। इसलिए उसको तुम ही हो सर्व मम देव देव, या ऐसा मानना पड़ता है कि तुम सब कुछ हो, बस गुरु में अवगुण नहीं देखना है। अगर आप गुरु को मनुष्य समझोगे तो आपको आध्यात्मिक सुख मिलेगा ही नहीं, मन ही नहीं ठहरेगा। इसीलिए सुमिरन ध्यान करना पड़ता है। तब जब आप गुरु को ऐसा मानोगे तब ध्यान बनेगा। तब जैसे ही उसको याद करोगे और आपका भाव इतना ऊंचा है तो आप भी पवित्र हो जाओगे। जिसको हम याद करेंगे उसकी जैसी छवि है वैसा ही इमीडिएट वैसी रेडिएशन हमारे अंदर आ जाएगी। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, आपकी लाइफ का। आपके फ़ोन में मान लिया 500 कॉन्टैक्ट हैं, तो जैसे ही आप फ़ोन बुक खोल के नाम ऐसे देखने लगती हो, तो जिस आदमी की जैसी जैसा इंप्रेशन है, जैसी छवि आपके मन में, आप नाम पढ़ते जाओगे वैसा वैसा आपके अंदर चेंज आता जाएगा। आप करके देख लेना, फ़ोन बुक में एक नाम आएगा, दूसरा नाम आएगा, तीसरा आएगा, तो आपके मन के भाव पर चेंज होते जाएंगे। तो इतना असर है, जब एक नाम पढ़ने से इतना असर है, तो जिसको आपने परमात्मा स्वरूप समझ लिया, जब उसको याद करोगे तो उसके गुण क्यों नहीं आएंगे, तो मन इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन ऐसा मानने को ना, आज के युग में बुद्धि का युग है, कोई मानना ही नहीं चाहता। अब मैं कह दूं जी मैं ऐसा हूँ, मेरे को मान लो, तो क्यों मानेंगे? आपने जैसे इंसान को परमात्मा कैसे मान लें, तो बहुत मुश्किल है मानना। मान लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा, उसकी बात सुन ली तो और इम्प्लीमेंट कर ली तो, समझ गए आप। तो सबसे पहला ये है कि जिसको आप या तो गुरु बनाओ ही मत, और बना लिया तो उसको परमात्मा का स्वरूप समझो,
और मान लिया वो परमात्मा का स्वरूप नहीं है, पूर्ण नहीं है या उसमें कमियां हैं, आप मन वचन कर्म से सही चाहते हो कि मेरा भला हो, आप सच्चे हो, तो गुरु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो खुद ठीक हो जाएगा आपकी रेडिएशन से। ऐसे बहुत एग्जाम्पल पड़े हैं कि चेलों ने गुरु को ऊंचा उठाया है, लेकिन हम ठगी से भरे पड़े, हेराफेरी से भरे पड़े, इसलिए गुरु भी हेराफेरी वाला मिलता है। तो मैं मेन बात पे आता हूँ कि हमें गुरु भक्ति करके, कब करेंगे गुरु भक्ति, जब पहला स्टेप फेथ होगा, फिर उसकी बात सुनेंगे, फिर विश्वास बनेगा, और फिर जब हम गुरु भक्ति करेंगे। गुरु भक्ति कब करेंगे, जब उसको परमात्मा का रूप समझेंगे तो हमारा मन ठहर जाएगा उसके सुमिरन ध्यान से, उसको याद करेंगे तो उसकी तुरंत रेडिएशन आ जाएंगी, अरे पवित्र है, काम क्रोध लोभ मोह से अहंकार से परे है, ज्ञान का भंडार है, ऐसी ऐसी बातें हमारे दिमाग में आएंगी और वैसे फिर हमारा मन इकट्ठा हो जाएगा। यानी जो दुनिया की अटैचमेंट हमें खींच रही थी, जैसे ही सुमिरन ध्यान करेंगे वो हमारा मन इकट्ठा होने लग जाएगा, और मन इकट्ठा होने लग जाएगा तो फिर उस मन इकट्ठे हुए मन को कहीं भी लगा दो, वो चीज़ समझ आ जाएगी आपको। बिजनेस करोगे तो बिजनेस में अव्वल, खेल खेलोगे तो खेल में अव्वल, घर में खाना बनाओगे तो खाने में एक्सपर्ट हो जाओगे, और ज्ञान लेना चाहोगे तो ज्ञान में एक्सपर्ट हो जाओगे। यानी मन को इकट्ठा करने के लिए इष्ट को परमपिता परमात्मा का स्वरूप मानना पड़ेगा, तब मन इकट्ठा होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। इसीलिए कहा है सभी संतों ने, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। फिर आगे ही बात आती है, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम नहीं जपना। तो गुरु का ध्यान बनता ही नहीं, सुमिरन बनता ही नहीं, करके देख लो, थोड़ी देर सुमिरन बनेगा और फिर हमें कुछ याद आ जाएगा कि बच्चे को जॉब पे भेजना है, बाहर से मैकेनिक बुला रखे हैं, ये काम करना है, फिर हम संसार में उलझ जाते हैं। इसलिए बैलेंस करो, दोनों हाथों में लड्डू रखो, संसार को भी संभालो और अपने इस ज्ञान मार्ग को भी संभालो। मैं ये नहीं कह रहा एक तरफ झुक जाओ, एक तरफ झुक जाओगे तो एक ख़त्म हो जाएगा, संसार को भी ख़त्म नहीं करना है और ये ज्ञान का मार्ग भी नहीं छोड़ना है, इसलिए बैलेंस रखो। तो जब दुनिया के काम करो, भूल जाओ सत्संग वगैरह, सब दुनिया के काम करो, वहीं मन लगा दो पूरा, तो काम सिद्धि आ जाएगी, काम में फटाफट वो ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे, फटाफट काम होने लग जाएंगे। और जब सत्संग सुनो तो सब भूल जाओ, तन मन धन, तब कुछ याद ना आए आपको, सिर्फ सत्संग सुनो। और पूरे ध्यान से सुनोगे तो दिमाग में, बार बार सुनने से दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर आपको विवेक होएगा, बुद्धि साफ हो जाएगी, और जब बुद्धि साफ हो जाएगी तो तुरंत विवेक आने लग जाएगा, मन में जरा सा विचार उठेगा इमीडिएट वो ज्ञान आएगा, अरे ये नहीं करना है, गुरु जी ने कहा था ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, इसको विवेक कहते हैं। जैसे ही क्रोध का विचार आएगा आपको तुरंत पता लग जाए, क्रोध करूंगी तो आफत आएगी, वहीं क्रोध को दबा दोगे, बस किसी का अपमान नहीं करना, सबका सम्मान करना है, कामुकता को नहीं भोगना ज़्यादा, तो धीरे धीरे कंट्रोल कर लो। यानी जो आप चाहते हो आपकी विल पावर बढ़ने की वजह से वो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, शुभ भी पूरी हो जाएंगी या शुभ भी, घटिया भी पूरी होंगी बढ़िया भी। इसलिए सबसे पहले सत्संग से मन को साफ करो, मन को वचन को कर्म को पवित्र करो, इसलिए सुमिरन ध्यान नहीं बताया जाता शुरू में, इसलिए साधन अभ्यास नहीं बताया जाता, आखिरी में बताया जाता है। पहले अपने जो गंदे विचार हैं उनको साफ कर लो, काम क्रोध लोभ मोह अति के विचार हैं उनको ठीक, पहले उनको धो लो। हाँ, अगर आप इस चीज़ के लिए सुमिरन ध्यान करते हो कि मेरा मन पवित्र हो जाए, फिर तो आपको फ़ायदा होगा, फिर कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप सुमिरन ध्यान इसलिए करोगे कि ध्यान बन जाए और फिर मन में गंदे विचार भी हैं, तो फिर नुकसान होगा। इसीलिए पहले खूब सत्संग सुनो, खूब सत्संग सुनो, जिससे कि आपके नए कर्म शुभ बन जाएं और जो अशुभ कर्म बना रखे हैं वो ज्ञान की अग्नि में जल के भस्म हो जाए। ज्ञान की अग्नि में जल के भस्म कैसे हो जाए, आपको ये समझ में आ जाएगी कि ये जो संस्कार लिए हुए हैं मैंने, वो आते हैं, वो फुरते हैं। चेतना जब मन के मंडल पे आती है तो वो विचार आते हैं और उनसे मैं खेलती रहती हूँ, तो ये तो माया है, ये सत्य नहीं है। जब वहाँ से चेतना हट जाएगी तो विचार पड़ा रहेगा, उसमें फंसेगा ही नहीं। हम मन के मंडल में ला के सूरत को और फिर विचारों के साथ खेलते हैं और फिर सुखी दुखी होते रहते हैं। तो उसको अलग करना है, उसको चेतना को मन से ऊपर उठाना है। तो कब उठाएंगे, जब हमारा मन ज्ञान ले लेके, ज्ञान ले लेके जितने भी अशुभ कर्म हमने बना रखे हैं, जितनी अटैचमेंट्स हैं, वो गिरानी पड़ेंगी। इसको कहते हैं ज्ञान की अग्नि में जला के शुभ कर्मों को भस्म कर दो। तो बार 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 सत्संग सुन के आपकी बुद्धि साफ होएगी और फिर विवेक आएगा, और विवेक से फिर जब जैसे ही वो सिचुएशन आएगी वहीं तुरंत आपको पता चल जाएगा व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, डूज एंड डोंट्स।
तो आपको पता चल जाएगा ये करना है ये नहीं करना है। तो आप मन में उसको मन में ही काट दोगे तो एक्शन में होगा ही नहीं फिर वो। तो ये ज्ञान से ऐसे कर्मों को अटैचमेंट्स को जलाना पड़ता है, और ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है। लेकिन गुरु मिले तो क्या कमाना, गुरु मिल गया तो देखो जरा सी बात में ही, जरा जरा सी बात कह के ये आपके ऐसे ऐसे कर्मों को ख़त्म कर देगा, आपका मार्ग आसान हो जाएगा। ये नहीं है कि कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा आपको मत्थापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मेरे साथ हुआ कि बहुत से कर्म तो उन्होंने ज़रा ज़रा सी चलते फिरते बात कही और मेरे दिमाग में बैठ गई और वो झंझट ख़त्म। इसलिए कहा कि गुरु मिले तो क्या कमाना। तो आप ये समझ गई जितनी अटैचमेंट्स हैं अशुभ कर्म है, खासकर काम क्रोध लोभ मोह की अति के, गुस्से के, नफरत के, ईर्ष्या के, ये सब विचार हमें पहले छोड़ने पड़ेंगे। जो इनसे भरा पड़ा है वो तो हवा खाए, उसको तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, बल्कि वो तो अपना नुकसान और करेगा, उसको तो मानसिक शांति भी नहीं मिलेगी। इसीलिए पहले लोक को सुखी बनाओ, तब तो तब पर लोक सुहलाएगा। तो क्या करना है आपको, गुरु भक्ति करो, और कब, उसको परमपिता परमात्मा का स्वरूप समझो। वो परमपिता परमात्मा नहीं है, वो परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम शक्ति है वो तो वहाँ है, वो यहाँ नहीं है, वो तो वहाँ है। लेकिन गुरु क्योंकि ध्यान करके और उससे मिल गया तो उसी का स्वरूप हो जाता है वो, हम माने ना माने वो तो है, हमारे मानने से फ़र्क थोड़े पड़ेगा। वो तो जब अनामी में जाता है या चौथे पद में जाता है कोई भी ध्यान योग से, तो उसी परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, वही ईश्वरीय गुण आ जाते हैं उसमें। लेकिन मनुष्य शरीर में तब तक मनुष्य शरीर का बंधन है, और हम वो मनुष्य के गुण देख के और उसकी कदर समझते ही नहीं, सब उसकी मानता को समझते ही नहीं है। तो आप समझ गए अपने गुरु को परमपिता परमात्मा का स्वरूप समझ के, और फिर मन को वचन को कर्म को साफ करना पड़ेगा, और जितनी अटैचमेंट्स हैं वो गिरानी पड़ेंगी। वो कब गिरेंगी, कब मन इकट्ठा होगा आपका, पहले तो मन इकट्ठा नहीं होगा अगर गुरु का ध्यान नहीं किया तो। और बिना वो सुप्रीम पावर माने, उसका फॉर्म माने, यानी गुरु को अगर आपने परमात्मा का रूप नहीं माने माना तो मन ही इकट्ठा नहीं होगा। और जब क्यों, क्यों हमारी इच्छाएं तो यहाँ संसारिक हैं, हमें अनुभव तो संसार का है, अटैचमेंट्स हैं, वो जैसे ही गुरु जी के सामने से हटेंगे वो खींच लेंगी, मन भटक जाएगा। इसीलिए चलते फिरते सहज में सुमिरन ध्यान बने, तब तो फिर आपका मन इकट्ठा हो जाएगा, और फिर आप फिर गुरु भक्ति करोगे, यानी बार बार सत्संग सुनोगे, समझोगी, और फिर काम की बात निकाल के उसको बार बार प्रैक्टिस में लाओगी, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगी। कभी फेल हो जाओ कोई बात नहीं, फिर ट्राई करो, ट्राई ट्राई ट्राई, ठीक है एक दिन हो जाएगा। ऐसे करके धीरे 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 कर्म कटने लगेंगे, अटैचमेंट्स हैं वो कटने लगेंगी, और जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा, जो चंचल प्रवृत्ति है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति है, वो अंतर्मुखी होगी, तब अंदर के साधन। जब तक चंचल मन है तो कभी कुछ विचार आएगा, कभी कुछ विचार आएगा, कभी कुछ विचार आएगा, कभी कुछ विचार आएगा, तो मन का फैलना ही दुख है, और मन की चित्त की वृत्तियों का इकट्ठा होना ही सुख है। तो हमारी तो चित्त की वृत्तियां फैली रहती हैं, सारा दिन विचार करते रहते कभी कुछ कभी कुछ, इसलिए इसको शास्त्र दल कमल कहा, पहला जो स्थान है। इसलिए गुरु का सुमिरन ध्यान करें, सत्संग सुन के मन वचन कर्म को पवित्र कर लें, गुरु का ध्यान करें, तो हमारा मन ठहर जाएगा, वहाँ सुख मिलता है। तो किसी को स्वप्न में आ जाएगा स्वरूप, किसी को जागृत में आ जाएगा, किसी को ध्यान में आ जाएगा, चलते फिरते सहज में सुमिरन रहेगा उसको, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बैठना नहीं पड़ेगा, खाते पीते उठते बैठते चलते घर से जाते घर आते उसको याद रहेगा, सहज का सुमिरन ये बनेगा, तब उसको फ़ायदा होगा, तब उसका मन इकट्ठा हो जाएगा। और कोई घबराहट होगी तो उसको इमीडिएट या तो विवेक से वो संभल जाएगा, या गुरु की शरण में भक्ति, गुरु की शरण में जाके हे गुरु जी आप ही संभालो, तो उसको दुख नहीं होगा, यानी जो उसका यमराज से पिंड छूट जाएगा, धर्मराज की शरण ले लेना। तो ये पहले स्थान पे भी अगर किसी का ध्यान बन जाए तो उसकी जो हजार तरह की वृत्तियां फैली हुई थी, हजार तरह के विचारों में, वो वृत्ति इकट्ठी होके उसको सुख का अनुभव होगा, यानी वृत्तियों का इकट्ठा हो जाना सुख है, और वृत्तियों चित्त की वृत्तियों का फैल जाना दुख है। तो यही ध्यान नहीं बनता पहले स्थान का ही, आगे के तो बहुत दूर की बात है, आध्यात्मिक तो दूर की बात है, पहले स्थान का ध्यान ही नहीं बनता, क्योंकि गुरु को हम मनुष्य जानते हैं। कबीर जी कहते हैं गुरु को मानुष जानते ते नर कही ये अंध, यानी वो अज्ञानी है, दुखी होए संसार में आगे जम का फंद, इस संसार में दुखी होंगे और आगे जम का फंद, यानी उनको यहाँ भी दुख भोगना पड़ेगा,
और जब शरीर छोड़ेंगे तब जमा के मारेंगे कि तुमने ये गलती क्यों करी, तुमने ये काम क्यों किया, तुमने ये क्यों किया। जो जीवन भर हमने किया वो सब सामने आ जाएगा। इसलिए मनुष्य नहीं समझना गुरु को, अगर या तो गुरु बनाओ ही मत, अब बनाओ तो फिर उसको समझो ये परम पवित्र परमात्मा का ही स्वरूप है, ये वीतराग पुरुष हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह से परे हैं और आपके मानने से परे हो जाएंगे। आपने मान लिया तो ठीक है, और आप नहीं मानोगे तो कुछ नहीं है। महाराज जी को तो यही कहा था ना, ये दाता दयाल की मूर्ति है, मैंने इसको भगवान माना तो मैं उसी का रूप हो गया, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम कुछ नहीं कहेगी तुम्हें, ये समझ गया। तो फिर ये भाव जब आपका बन जाए तब आप ज्ञान लेके गुरु भक्ति करके अपने कर्मों को जलाओ। पहले अशुभ कर्मों को जलाओ, फिर शुभ कर्मों को साथ साथ जलाना सीख लो कि भाई अधिक बहुत शुभ कर्म क्या हैं, अच्छा घर बनाऊंगी, अच्छा पैसा हो, बेटे खूब तरक्की करें, गाड़ियां हो, अच्छे सब सब दुनिया मेरी अच्छी हो, ये शुभ कर्म है। मेरे को भी सुख मिले, मेरे घर वालों को भी सुख मिले, सबको सुख मिले, ये शुभ कर्म है। और अशुभ कर्म क्या है, ईर्ष्या द्वेष नफरत के विचार, ये बुरे कर्म है। और शुभ कर्म क्या है, माफ़ी के, माफ़ कर दो, तप के, दया कर दो, सहायता के, ये विचार हैं अपनी प्रोग्रेस के, ये विचार हैं शुभ विचार। तो पहले शुभ अशुभ दोनों को ज्ञान की अग्नि से, ज्ञान से जला के भस्म करना पड़ेगा, तब आपका मन स्थिर होगा और तब प्रवृत्ति आपकी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होगी, तब जाके आपको आगे के आध्यात्मिक सुख का अनुभव होगा। उससे पहले ये स्थान है, पहला स्थान है सहस्त्र दल कमल, यहाँ पे हमारी चित्त की वृत्तियाँ फैल जाती हैं, तरह तरह के विचार आते हैं तो दुख होता है, चित्त की वृत्ति इकट्ठी हो गई तो सुख है। फिर दूसरा स्थान है ज्ञान का, तो गुरु भक्ति करोगे तो त्रिकुटी लगने लग जाएगी, वहाँ पे जाके आपको सिर्फ एक ही विचार है कि जो आप जानना चाहते हो उसी का उत्तर मिल जाएगा आपको, चाहे संसारिक चीज़ जानना चाह रहे हो तो वो उत्तर मिल जाएगा और आध्यात्मिक जानना चाह रहे हो तो वो भी उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ ध्यान करना पड़ेगा बहुत दिन तक, तब जाके ताला खुलेगा, रहस्य खुलेगा। अब ना तो पहले स्थान पे ध्यान बनता, ना दूसरे बनता, फिर कहते हैं जी प्रकाश आता है, शब्द आता है, बकवास आते हैं, कुछ नहीं होता, सब अज्ञान में है। कई कहते हैं जी सीधा उसमें चले जाएं, मैं तो चले जाओ, कौन रोक रहा भाई, सीधे चले जाओ प्रकाश में, चले जाओ। महाराज जी भी कहते थे चले जाओ भाई, तुम प्रकाश में जाओ, मेरी नकल करते हैं। महाराज जी कहते थे कि भाई मैं चौथे में चला गया, सीधा शब्द का अनुभव हो गया, सार शब्द का, तो मेरी नकल करते हैं और कहते हैं जी यहाँ कुछ कुछ हो रहा है मेरे, तो चले जाओ, कौन रोक रहा है। जब तक पहली क्लास पास नहीं करेंगे तो आगे कैसे जंप कर जाएंगे, वो तो पूर्व जन्म की कोई कमाई थी, उनकी तैयारी थी, ब्रह्मचर्य मेंटेन था, इसलिए उनको अनुभव हो गया गुरु जी की रेडिएशन से। अब आज किसका ब्रह्मचर्य मेंटेन है, आप अपने आप से पूछ लो सारे कि मेंटेन है क्या नहीं, नहीं मेंटेन है तो पहले रिगेन करो, उसको मेंटेन करो, और एकदम होगा नहीं, आहिस्ता 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 कंट्रोल करो, तब जाके वे बला से पिंड छूटेगा। हाँ, आपके विचार में शक्ति है, जो आपने विचार कर लिया पूर्ण हो जाएगा, वो सक्सेस होगी, आज नहीं तो कल उचित टाइम पे वो काम होगा, पर हम संकल्प ही नहीं करते, अच्छे संकल्प ही नहीं करते पूरे कब होंगे। हम तो दुनिया चाहते हैं, धन हो जाए, गाड़ियाँ हो, ये हो, वो हो, वो हो, उसी में फंसे रहते हैं। तो हमारे अशुभ कर्म आके हमारी आध्यात्मिक तरक्की को रोक देते हैं। तो अब आप समझ गए, बहुत दिनों तक सत्संग सुन के मन को वचन कर्म को साफ करके, और फिर आपको इच्छा हो जाए कि भाई ये संसार में तो सुख और दुख है, तब आपको वैराग होगा कि भाई ये तो सुख है, थोड़े दिन बाद दुख हो जाएगा, फिर कोई ऐसी जगह चलो कि जहाँ फिर सुख है, बस ये सुख दुख से परे चले जाएं हम। फिर आप त्रिकुटी में ध्यान करोगे कि आप आगे कैसे चलें, अब सुन महासुन भंवर गुफा सतलोक अलख अगम अनाम ये कैसे प्राप्त किए जाए, तब वो ध्यान करोगी त्रिकुटी में, तब आगे का रास्ता खुलेगा, वो भी गुरु की कृपा से। जब सतगुरु बहे सहाय तब राधा स्वामी शरण गहा, ऐसा कहा संत मत में, राधा स्वामी मत में, कि बिना गुरु की गाइडेंस के अगर ध्यान करोगे तो पगले हो जाओगे। इसलिए पहले इस लोक को सुखी बना के तब परलोक सुहेला करो, और वो भी गुरु की गाइडेंस में, गुरु बताएगा। अगर सिर दर्द होता है तो ध्यान बंद कर दो, बुरे बुरे विचार आते हैं ध्यान बंद कर दो, गुस्सा नफरत ईर्ष्या भरी पड़ी है ध्यान मत करो, ये सबसे बरी हो जाओ, फ्री हो जाओ, तब जाके तब ध्यान करो। और तब ध्यान करना क्या है, जब आपके अंदर योग्यता होगी तो अपने आप ध्यान बनेगा।
जबरदस्ती करोगे तो सिर फटने लग जाएगा। जब आपके अंदर योग्यता है तो अपने आप ध्यान बनेगा। क्या योग्यता है? विषयन से जो हो उदासा, यानी किसी भी चीज़ में अटैचमेंट नहीं है, ना कामुकता में ना और विषयों में। विषयन से जो हो उदासा परमार्थ की जामनासा है, यानी वो भगवान को या उस परम तत्व को, आत्मा परमात्मा का ज्ञान को जानना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। परमार्थ की जामनासा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, संतान भी रहे धन रहे लेकिन उसको प्रीत नहीं है, अफेक्शन नहीं है, उससे फंसा हुआ नहीं उसमें। धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चाह नहीं ताके, संसारिक चीज़ें नहीं चाहता वो। ये नहीं चाहता कि इतना धन और आ जाए, इतने मकान, इतनी कोठियाँ, इतनी गाड़ियाँ और आ जाएँ। उपराम हो गया, डिटैच्ड हो गया, उसको समझ आ गया, रूप समझ आ गया माया का, कि भाई ये सब तो यहीं छोड़ के जाना है, ये तो यहाँ पहले स्थान पर ध्यान करो, इच्छा करो, बार 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 इच्छा करो, ये सब मिल जाएंगे, लेकिन वहीं मत रुके रहो, आगे चलो। अब आप कह रही थी ना कि सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख के बारे में बताओ, तो सांसारिक सुख जब आप लेके उपराम हो जाओगे तब आध्यात्मिक सुख में जाना, तब तक जा ही नहीं सकते। तो जब सांसारिक सुख सारे देख लिए और फिर आपको अनुभव हो गया भाई ये तो ऐसा ही मामला है, तब आप फिर आगे चलो। तो उसकी योग्यता है, क्या योग्यता है? विषयन से जो होए उदासा, यानी कामुकता से फ्री हो गया। नहीं फ्री है तो पहले कर्म काटो अपना, वो जो अटैचमेंट बना रखी उससे दूर हो जाओ, उसको धीरे 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 कंट्रोल करो, और उसको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा आध्यात्मिक होना है तो। और मान लिया संसारिक सुख भी चाहिए तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो उसमें फंसा हुआ है वो तो हवा खाए, उसका जीवन तो नरक है। तो क्या है योग्यता, क्या बताई है? विषयन से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, जगत पदार्थ चाह नहीं ताके, तन इंद्री आसक्त नहीं होई, भूख नींद आलस जिन खोई। तन इंद्रियों की जो हमारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उनमें फंसता नहीं है, मतलब किसी भी विषय में और किसी भी स्वाद में नहीं फंसता है वो, उसको तो बस ये है। तन इंद्रिय आसक्त नहीं हुई, नींद भूख आलस जिन खोई, विरह बाण जिन हृदय ला गया, खोजत फिरे साधगुर जागा। मतलब उसको लगन लग गई, नींद भूख आलस जिन खोई, उठते बैठते यही है कि बस कैसे समझ लूँ, कैसे आगे के आध्यात्मिक सुख लूँ, कैसे मेरे दर्जे पास हों, कैसे प्रकाश में जाऊं, कैसे शब्द में जाऊं, कैसे मन को साफ करूं, यानी वो जानना चाह रहा है, जिज्ञासा है उसको, जिज्ञासा है तभी तो मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। तन इंद्री आसक्त नहीं होई, नींद भूख आलस जिन खोई, विरह बाण जिन हृदय लागे, उसको समझ आ गया कि अरे ये दुनिया तो ऐसी है भाई, छोड़नी पड़ेगी एक दिन, हवा निकली और गए। तब उसको विरह बाण लग गया कि ओहो भाई ये तो मैं तो धोखे में था। अब खोजत फिरे साध गुरु जागे, अब उसको ये पता चल गया कि भाई आगे का ज्ञान भी है कुछ। तब वो किसी साध को खोजेगा, किसी संत को खोजेगा। साध फकीर मिले जो कोई, करे सेवा करे दिल जोई। अगर उस फिर उसको साध फकीर मिलेगा कोई, ऐसा आध्यात्मिक अनुभव मिल जाएगा, उसकी इच्छा है ना, क्योंकि वेर देरी जे विल देरी जे वे, जहाँ चाह वहाँ रा। अब उसकी जबरदस्त इच्छा है कि कोई साध फकीर मेरे को आगे का रास्ता बता दे, तो उसको मिल जाएगा। अब जब साध फकीर मिल जाए, करे सेवा करे दिल जोई, अब उसकी सेवा करो क्योंकि हमें ज्ञान चाहिए, करे दिल जोई, उससे मन लगा ले और फिर उससे ज्ञान। ऐसी करनी जाकी दे के आप आए सतगुरु तिस मिले, जिसकी ऐसी करनी होगी उसको अपने आप सतगुरु आके मिल जाएंगे घर बैठे, क्योंकि परमात्मा तो वो तो सब में है, हंस रूप में हमारी जो सूरत है ये यूनिवर्सल है, सब में है वो। आपकी जैसी डिमांड है वैसी सप्लाई हो जाएगी, अपने आप कुदरत आपके पास जहाँ आपका काम होना है वहाँ ले जाएगी, कुछ नहीं करना, सिर्फ गहरी इच्छा हो कि मेरे को कोई ऐसा साधु संत मिले जो मुझे ये ज्ञान दे दे। तो जब आप ये योग्यता लेके आ जाओगे, ये योग्यता चाहिए, जब आपके अंदर ये योग्यता आ जाएगी तब आपका मन स्थिर हो जाएगा और फिर अपने आप आंतरिक अनुभव होने लग जाएंगे, सुन लग जाएगी। जब आपके अंदर कोई ज़्यादा इच्छा चाह नहीं है, ब्रह्मचर्य की शक्ति ठीक है, तो और आपने ज्ञान की अग्नि से कर्म जला के भस्म कर दिए हैं, तो जब आप ध्यान करोगे या सत्संग सुनोगे तो अपने आप आपका ध्यान बन जाएगा, अपने आप आगे के दर्जे खुल जाएंगे। क्या होगा? पहला ध्यान लगेगा सुन का, सुन में क्या है? मस्ती नशा सा रहेगा, मेरा कई बार लगता रहता है ऐसे है जैसे बोतल पी रखी है, बस नशा, कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं, ये चाँद की चांदनी जैसा प्रकाश आता है। अगर ध्यान आँख बंद करके ध्यान करो तो चांद जैसी चांदनी आती है, और अगर आँख खुली हैं तो नशा सा रहता है, यहाँ पे खिंचाव होता है, यहाँ पे माथे के बीच के थोड़ा सा ऊपर ऐसे ज़ोर ज़ोर से खिंचाव होता है,
और ऐसा हो जाता है जैसे बस नशा करके पड़े हो, कि ये सुन का ध्यान लगेगा, यानी सुरुत मन के मंडल से निकल गई। फिर आगे महासुन है, वहाँ गुप्पंदेरा है, फिर उसके आगे है भंवर गुफा, वहाँ पे सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा, सोम सोम का शब्द आ जाएगा, वहाँ से आध्यात्मिकता शुरू होगी, स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट हियर फ्रॉम भंवर गुफा। तो वहाँ पे सफ़ेद रंग का प्रकाश है और मस्ती से भी बहुत ज़्यादा आनंद, ब्लिस जिसको कहते हैं ना, वो सुन में तो मस्ती है और महासुन में तो बिल्कुल बेसुध हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा पी लीर कुछ होश ही नहीं में वैसा, और भंवर गुफा में ब्लिस आ जाता है आनंद, और सतलोक में और ज़बरदस्त प्रकाश है और सफ़ेद रंग का ज़बरदस्त प्रकाश है सैकड़ों सूर्य जैसा, वहाँ पे आनंद है, ब्लिस है। तो आप कह रही थी ना आध्यात्मिक आनंद, तो ये आपके सुन से शुरू हो जाते हैं अंदर के आनंद, लेकिन सही है वो, सही जो आध्यात्मिकता शुरू होती है वो समझ लो आप भंवर गुफा से शुरू हो जाती है, सतलोक में फिर और गहरा हो जाता है वो, और संत मत शुरू होता है अलग से, जब सार शब्द में, जब आप इस तीसरे जोन को भी छोड़ के चौथे शब्द में जाते हो, वहाँ पे स्पिरिट के अंदर ही आपकी सुरत ही उसको सार शब्द को उस जब वहाँ चौथे पद में जाएगी तो उसको अनुभव करेगी, वो अभी अभी भी है हमारे अंदर प्रकाश और शब्द, लेकिन ब्रह्मचर्य खोने की वजह से प्रकाश का अनुभव नहीं हो रहा और मन इकट्ठा नहीं है और वो सुरत ऊपर नहीं जा रही, इसलिए शब्द का अनुभव नहीं हो रहा। तो जब आप गुरु भक्ति से अपनी क्वालिफिकेशन लेके आएंगे तब वो सुरत ध्यान योग से सहज में ही, सहज योग से चौथे पद में जाएगी, वहाँ जाके उसको सिर्फ शब्द शब्द का अनुभव होगा, कोई प्रकाश प्रकाश नहीं है वहाँ पे, और वो शब्द सुनेगी, वो है संत मत, वो संतों का साधन है, उससे नीचे के साधन दूसरे, वो संत मत नहीं है, संत मत उससे चौथे पद से स्टार्ट होता है जहाँ सुरत शब्द योग, और फिर उस शब्द को सुनते सुनते, और कब सुनोगे जब ब्रह्मचर्य मेंटेन करोगे, अगर ब्रह्मचर्य फिर खो दिया तो फिर क्या होगा, ना प्रकाश आएगा, वो प्रकाश आता था वो भी चला जाएगा, शब्द आता था वो भी चला जाएगा, फिर गिर जाएंगे, इसीलिए सावधान रहना है, सत्संग सुनते रहना है ताकि आप गिरो ना, आप आपको वो आनंद मिलता रहे, दुनिया से वैराग रहे, और फिर आप वो अनुभव करते 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 उसी में मिल जाओगे शब्द में एक दिन, उसको अनामी कहते हैं, आप वहाँ पहुँच गए, उसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, यानी आपको आत्मज्ञान हो गया, उसको अनुभूति होगी आपको अपने आप की। तो अब आपको गुरु सत्संग देगा कि भाई ये दुनिया का खेल तो ऐसा ही है, टेम्परेरी है, यहाँ सारे काम करो, अपने संसारिक ड्यूटी करो, कर्जा उतारो, प्रारब्ध कर्म भोगो, सुख दुख जो आपके लिखा के लाए वो भोगो, और साथ में ये योग थोड़ा थोड़ा बीच में जब टाइम मिले अनुभव करते रहो, लेकिन दुनिया मत बिगाड़ना अपनी, साथ साथ ये अनुभव भी करो और दुनिया का लेना देना प्रारब्ध कर्म भी पूरे करो, और फिर आखिर में अगर इसी स्थिति में सुरुत शब्द योग की स्थिति में ही और आपने शब्द को सुनते सुनते शब्द में मिल गए और वहीं शरीर छोड़ दिया तब मोक्ष प्राप्त होगा, और जब तक जो जिंदगी है आपकी सेल्फ रियलाइजेशन के बीच में, मृत्यु तक के बीच की जो जिंदगी है वो जीवित मुक्त अवस्था है, यानी आपको सब ऐसा लगेगा सब परमात्मा की लीला है, सब ये जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, तो तब तक वो आनंद लेता रहेगा इसका, ये आध्यात्मिक आनंद, वो ये अध्यात्म, ये आंतरिक सुख इसको कहते हैं, ये आध्यात्मिक सुख है, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो सांसारिक सुख आप समझ गई, आध्यात्मिक सुख समझ गई, और इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है और क्या करनी करनी पड़ेगी ताकि रहनी बन जाए, ये है, तो आप समझ गई क्या है वो। तो ये ज़्यादा देर ना लगा के आपको शॉर्ट में समझा दिया, तो ज्ञान की अग्नि से कर्म जलाने पड़ेंगे, शुभ और अशुभ दोनों, तब वहाँ सूरज जाएगी, और ब्रह्मचर्य इसमें सबसे ज़रूरी है, कई मानते ही नहीं है, मैं कहता हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करो, करे मैं तो कर रहा हूँ जी, मैंने तो ऑपरेशन करा रखा है, करा रहे वो तो ऑपरेशन तो शरीर का करा रखा है भाई, मन का तो नहीं करा रखा। अगर मन में तुम लेडी लेडी का ध्यान करोगे तो लेडी आ जाएगी और ब्रह्मचर्य की शक्ति निकल जाएगी, इसलिए सबसे ज़रूरी है ब्रह्मचर्य की शक्ति पहले, और फिर आप ज्ञान लेके अपनी जितनी अटैचमेंट्स हैं उनको डिली कर दो, तो ध्यान बनेगा, नहीं तो ध्यान करने बैठोगे जो संसारी का भाव है या जो अटैचमेंट है वो आपको नीचे खींच लाएगी, ध्यान बनेगा ही नहीं, और ज़बरदस्ती करोगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा, और एक बार ख़राब हो गया तो फिर ठीक भी नहीं होता। तो आप समझ गए अच्छे से, तो ये है गुरु की कृपा कि आपको ज़्यादा मत्थापच्छी नहीं करनी पड़ती, इसको कहते हैं गुरु मिले तो क्या कमाना, यानी आपको थोड़े से ही मेहनत में ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है, अगर कोई अनुभवी गुरु, ज्ञानी गुरु मिल जाए और गुरु की दया हो जाए
आप सेवा करो, संगत करो, दर्शन करो, सत्संग सुनो, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस आपकी श्रद्धा विश्वास का खेल है। समझ गए, ये है। कोई शास्त्र नहीं पढ़ने, कोई वेद पुराण नहीं पढ़ने, कोई मूर्तियाँ नहीं पूजनी, सीधे जाओ, बात सुनो, समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो, बस इतनी सी बात है, ये संत मत है। समझ गए। तो अब स्तुति गुरु की पढ़ो, कृपा करो महाराज जी, लालचंद जी कृपा कर गए घर बैठे हमारे ऊपर, तो संसार सुखी होगा इनकी कृपा से। तो इसीलिए मैं कहता था इनको बार बार, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही हो, तुम ही हो मम सर्वम देवो देव। तो ये स्तुति इसलिए करी जाती है कि आपको सांसारिक शांति चाहिए तो भी गुरु ज्ञान से मिलेगी, और आध्यात्मिक तरक्की चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो वो भी गुरु के अधीन है। तो गुरु की महिमा जाने ना ऋषि मुनि। तो ये इतनी बड़ी महिमा है गुरु की कि आपका अगर शुभकर्म है तो कोई सच्चा गुरु मिल जाए और आपको ज्ञान दे दे तो आपका जीवन सुखी हो जाए। तो जीवित शांति चित्त बसे, अंत में सतगुरु देश। तो पहले जीवन को सुख शांति का बनाओ, बाद में आगे की बात करना। ठीक है, समझ गए। जय गुरुदेव।